Hey guys, welcome to wifistudy, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल wifistudy पे। So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन 12-15 मिनट के अंदर 12-13 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करते हैं और साथ में आपके जो एनटीपीसी के अंदर जो प्रीवियस ईयर की जो जीके के क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर है जो की करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आप लोग यहाँ पे जो है ज्वाइन करके आपको अपना प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर सकते हो और डेली के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं अपने इंपॉर्टेंट वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 5 बजे नहीं हो पाया तो अभी यहाँ पे हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। 15 मिनट का सेशन है, सारे क्वेश्चन है जो कि करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपको कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप अनअकैडमी पे BHU 10 यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। कल अपनी है मैराथन क्लास सुबह 9 बजे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसके अंदर मैं आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन 2020 के जो है वो करवा दूंगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में डैश स्थान पर है। तो अभी यूएनडीपी ने दोस्तों HDI रैंकिंग जारी करी है, याद है सभी को, और उसके अंदर भारत की रैंकिंग 131 है। लास्ट ईयर में से दोस्तों 2 माइनस है जो कि हम लोग हो गए हैं। नंबर वन की बात करें दुनिया में तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ये सब है। ठीक है, 3 पैरामीटर के ऊपर देखी जाती है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ठीक है गाइज, ओके, एनटीपीसी एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे गाइज, जिनका फर्स्ट फेज में हो रहा है ना उन्हीं के आ रहे हैं, अभी बाद में आएंगे आपके, चिंता मत करो, सबका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है? तो भाई हमारे इंडिया के तो आपको मालूम है, हमारे अक्षय कुमार है, मतलब जो कि लॉकडाउन के अंदर भी 2-4 पिक्चरों की शूटिंग कर गए तो हमारी तरफ से तो देखो अक्षय कुमार है। दुनिया की बात करें तो कैली जेनर है दोस्तों, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी और रियलिटी टीवी स्टार है कैली जेनर, हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020 की फोर्ब्स के द्वारा बताया गया है। सेकेंड नंबर पे है अमेरिकन रैपर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर कैन्यू वेस्ट। ठीक है, ये देख सकते हो आप कैली जेनर $590 मिलियन एक साल के अंदर हाँ यार, फिर है कैन्यू वेस्ट, फिर है रॉजर फेडरर, रोनाल्डो, मेसी और टेलर, नेमार, मतलब 4-5 तो इसके अंदर, दो एक तो है बास्केटबॉल प्लेयर, 3 है फुटबॉल प्लेयर, 1 है टेनिस प्लेयर, ओके, रॉक भी है 10वें पे और 52वें पे अक्षय कुमार हमारे $48 मिलियन के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे NHAI के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार है जो कि दिया गया है? तो जो 6 महीने का जो विस्तार मिला है गाइस वो सुखबीर सिंह संधू जी को मिला है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, हाईवेज का मेंटेनेंस करने का काम करने का ये सब यही करते हैं, ओके, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करते हैं नेशनल हाईवेज के, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1995 में इसका फॉर्मेशन है जो कि NHAI का किया गया था। हर साल अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अरेबिक लैंग्वेज डे, ये 18 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है गाइस, UN अरेबिक लैंग्वेज डे की बात करें तो 18 दिसंबर को हर साल, ओके, और इस साल अब 1973 में 18 दिसंबर को अरेबिक को ऑफिशियल UN लैंग्वेज के तौर पर नवाजा गया था, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की गाइस, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ओके? हमारे देश से हिंदी क्यों नहीं है, जबकि हिंदी तो अरेबिक बहुत ज्यादा लोगों से बोली जाती है हिंदी, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे दोस्तों 100+ लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती है और 1000 से भी ज्यादा डायलेक्ट्स जो बोली होती है, जो लोकल बोली होती है ना वो बोली जाती है लैंग्वेजेस। तो हमारे यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज नहीं, सबकी स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस है, सब राज्यों में अलग अलग चलती है, इसीलिए हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हिंदी हमारे देश में 50 से 55% लोग ही है जो की बोलते हैं। ठीक है, ये कारण है क्योंकि हम लोग सारी लैंग्वेजेस हमारे लिए अपनी लैंग्वेजेस है, चाहे फिर वो हमारी तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। चलिए, हाल ही में इकबाल अहमद खान का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो इकबाल अहमद खान दोस्तों बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, 66 की एज के अंदर गाइस, बहुत ही लेजेंडरी थे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है हिंदुस्तानी म्यूजिक को लेकर।
हाल ही में बिहार ने डैश में अपना पहला प्रवासी पक्षी उत्सव आयोजित करवाया, फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल जो है वो भागलपुर के अंदर है दोस्तों, जो कि करवाया गया है। ठीक है गाइस, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 दिन का फेस्टिवल है जो कि करवाया गया है। ओके, चलिए 370 आप देख सकते हैं बर्ड्स है जो कि आप में देखने को मिले हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि इंडिया आते हैं। 310 जो है वो वेटलैंड के वाले एरिया में जाते हैं, जहाँ पे दलदल या थोड़ा काफी ग्रीनरी होती है, और रशिया से साइबेरिया से काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स है जो कि इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। दिसंबर 2020 में भारत ने डैश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का आयोजन किया। कॉर्पेट और इंडिया और इंडोनेशिया दोस्तों मिलकर है जो कि करते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें, सारे इंडोनेशियन है, विडोडो प्रेसिडेंट है, करेंसी रुपया है, 1 रुपया हमारा इनके 200 रुपया के बराबर है। करंट कैपिटल है जकार्ता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ये गाइस ये भी मेरे ख्याल से 18 को ही मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 18 दिसंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। थीम रखी गई है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ओके, दुनिया में जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए इस दिवस को मनाया गया। माइनॉरिटीज राइट्स डे की बात करें, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, तो ये भी दोस्तों 18 दिसंबर। तो आपको 2-3 दिवस याद करने हैं। एक तो माइग्रेटरी पेपर में वैसे नहीं आते, ये सब पेपर में इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन कल का करंट अफेयर है इसलिए तो हमें करना जरूरी है, और अगर आप भी गया गलती से तो भी आप लगा लोगे आंसर, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 2006 के अंदर हमारे देश में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनी, और हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है वो है क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, पारसीज, जैन और बुद्धिस्ट। ओके, ये सारे माइनॉरिटीज है अल्पसंख्यक है, यानी कि एक तो होता है मेजोरिटी जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के तौर पे देखी जाती है, और एक होती है माइनॉरिटी जो कि कम पॉपुलेशन जिनकी होती है उनके तौर पे देखी जाती है। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए FX4U लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा? कैनरा बैंक के द्वारा दोस्तों इसकी लॉन्चिंग है जो कि करी गई है। न्यू टेक प्रोडक्ट है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग को फॉरेन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। कैनरा बैंक की बात करें तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है गाइस, TN मनमोहन जी है, मनोहरन जी है जो कि अभी इसके हेड बने हुए हैं। एनटीपीसी सेकंड फेज का एग्जाम प्रजापति, जो पहला फेज हो जाएगा उसके बाद में होगा, 2-4 दिन के गैप के बाद में। ठीक है, तो लोड मत लो, आप तो बढ़िया पढ़ाई करो। कल सुबह 9 बजे अपनी मैराथन क्लास भी है, 2020 के 1000+ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाऊंगा करंट अफेयर के आपके एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2030 की बात करें तो दुबई तो नहीं, दोहा है जो कि करने वाला है। अभी सुबह सुबह ही पढ़ा था हमने, 2030 तक तो एशियन गेम जो है दोहा, 2034 जो है सऊदी अरेबिया के अंदर हो सकता है। ठीक है, और 2026 का जो है जापान में, 2022 का हो जाएगा चाइना में, 2018 का हुआ था इंडोनेशिया में। ओके, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि वो एशियन कप फुटबॉल का आयोजित करवाएगी, कौन से साल में? 2027 में आयोजन करवाने के लिए कैंडिडेट है दोस्तों, जो कि इंडिया भी बन गया है। ठीक है गाइज, तो यानी कि इंडिया भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि 2027 का एशिया कप इंडिया के अंदर हो जाए, ताकि फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले हमने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था, वुमेन एशिया कप भी 2022 में हम लोग होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करते हुए डैश नाम से एक ई बुकलेट जारी की है। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी आपको मालूम है फार्मर प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए बहुत जगह पे मतलब काम किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही है रातों रात, है ना। तो एक सक्सेस स्टोरीज भी बताई जा रही है फार्मर की, जिसका नाम रखा गया पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। सी आपका बिल्कुल सही आंसर, तो ये ई बुकलेट है जो कि गवर्नमेंट ने जारी करी है, जिसमें बताया गया देखो किसान जो है वो कितना खुश है, किसानों के कितने मजे हैं, किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, MSP मिल रही है, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे 100 पेज का दोस्तों ई बुकलेट है जो कि जारी करी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अपने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला सवाल, 2016 से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए 25 साल न्यूनतम आयु। अगला सवाल, क्विज बैरी नियम किस खेल में अपनाई जाने वाली
अपनाया जाने वाला कोड है। विपिन कुमार 3 मंथ चैलेंज एक बार जब वो वाली क्लासेस हो जाएगी ना अपनी, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर कौन सी जीके वाली 1000 क्वेश्चन की स्पेशल के ऊपर, तब उसके बाद कराएंगे ठीक है। और क्विज बैरी की बात करें तो ये दोस्तों बॉक्सिंग में अपनाया जाता है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है, यह है आपके लंदन में, लायन में, लंदन में नहीं है, लायन में, सॉरी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, इंटरपोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा क्या है। थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो बाट है दोस्तों जो कि मानी जाती है, रिंगिट है जो कि मलेशिया में, मलेशियन, और रुपया हमारे इंडिया में चलती है, युआन जो है वो कहां पर है, जापान में, जापानीज, चाइनीज, ठीक है, जापानीज येन है, युआन नहीं है, जापानीज तो येन है, चाइनीज के अंदर युआन यूज होता है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। मानव शरीर में एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः उत्पन्न हो सकता है, वापस से रीजनरेट होने की जो कैपेसिटी है वो किसमें है, लिवर के अंदर है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहुत ही सिंपल सवाल, बहादुर शाह जफर। जिमनास्टिक में ओलंपिक में एक आदर्श 10 स्कोर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिमनास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर जिन्होंने किया है उनका नाम क्या है, उनका काम है, नाम है नाडिया। ठीक है गाइस, तो नाडिया ने 1976 में मॉन्ट्रियल के अंदर परफेक्ट 10 का स्कोर है जो कि लगाया था, गोल्ड मेडलिस्ट है, यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रेविस, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये गहरी दरार होती है ना इसको बोलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय सभी को मालूम है, न्यूयॉर्क के अंदर, अरे यूनेस्को है, यूएन नहीं है, मैं भी यार गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यूनेस्को है, यूएन तो है, हो गया आपका न्यूयॉर्क, और यूनेस्को हो गया आपका पेरिस। ठीक है गाइस, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑन्ड्रे है जो कि अभी हेड है, 45 में इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग को लेकर दोस्तों, ये काफी फेमस पेंटिंग स्टाइल होती है जो कि बिहार के अंदर हमको देखने को मिलती है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन, प्लस कोर्स के लिए भुवनेश्वर लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, एसएससी में मेरा कंप्लीट जीके कोर्स चल रहा है, सीजीएल, सीएचएसएल, MTN, GD, JEE, CPO, ओके, सबके लिए आप GK की तैयारी मेरे द्वारा कर सकते हैं, साथ में आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। करना कुछ नहीं, गोल सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाओ, उसके बाद मैं 12 महीने पे जाके रेफरल कोड पूछेगा, तो लगा देना मोनेश 10 और अप्लाई कर देना। क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने परेशरम पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है, परेशरम पोर्टल के बारे में आपको बताना है। ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कल वापस मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।